अक्षत कलश शोभा यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद सीहोर जिले में सक्रिय बना रहा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा महा आयोजन आयोजित किया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सीहोर जिले में भी मनाया जाएगा। महा आयोजनों का श्री गणेश मन कामेश्वर महादेव मंदिर में अक्षत कलश की विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। महा आयोजन को लेकर राम भक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों, साधु संतों, श्री राम कथावाचकों, वरिष्ठ ब्राह्मणों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों विशेष उपस्थिति में मन कामेश्वर महादेव परिसर में विधि विधान से अक्षत कलशों का पूजा अर्चन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहा मंत्री सुनील कुमार शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के सीहोर जिला अध्यक्ष जगदीश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से बताया कि अक्षत को सभी राम भक्तों के घरों पर पहुंचाना जल्दी ही शुरू किया जाएगा। अयोध्या से सीहोर जिले में 10 कलश पहुंचे हैं। अलग अलग मंडलियों के माध्यम से इन कलशों को जिले में स्थित सभी श्री राम मंदिरों और हनुमान मंदिरों में ले जाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिले भर के प्रमुख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इन सभी आयोजनों में रामायण पाठ, भजन कीर्तन, महाआरती, हनुमान चालीसा पाठ सहित अन्य भव्य धार्मिक आयोजन होंगे। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत स्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने सभी राम भक्तों, सनातन धर्मियों से अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुदेश राय, श्रीमती अरुणा राय, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोरा, नगरपालिका परिषद सीहोर अध्यक्ष प्रिंस राठौर, नगर पुरोहित पंडित पृथ्वी बल्लभ दुबे, वरिष्ठ ब्राह्मण जन, संत जन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक विवेक राठौर, विहित पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में सम्मिलित रहे। देखिए आज का कार्यक्रम अक्षत कलश जो अयोध्या नगरी से आए हैं, अभिमंत्रित अक्षय हैं ये, और इस देश का भाग्य है कि हम अयोध्या नगरी में भगवान रामलला को विराजमान करने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को रामलला बाल रूप में राम मंदिर में स्थापित होंगे और पूरे इस देश को आह्वान करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में अक्षत कलश वितरण का कार्यक्रम किया है और
इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य लोगों को घर घर जाकर निमंत्रित करना है। हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हम किसी को निमंत्रित करते हैं तो पीले चावल देते हैं उनके घर में। यही उसी परंपरा को का निर्वाह करते हुए हम लोग प्रत्येक हिंदू के घर में जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि ये शुभ अवसर जो 500 वर्षों के बाद कितनी ही कुर्बानियों के बाद मिला है, हम उसको दिवाली के रूप में मनाएं। जैसे हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्त होती है और हम कितने खुश होते हैं, फटाके जलाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और दीपक जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, तो यही कार्य हमको 22 जनवरी को करना है। प्रत्येक मंदिर में दिन को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक भगवान राम की हमको पूजन अर्चन करना है। पूरे जितने भी टीवी चैनल दिखाएंगे इस प्रोग्राम के सभी लोगों को एकत्रित करके ये कार्य मंदिर में ही करना है कि सब लोग हम एकत्रित होएं और मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं। भाई साहब, इस आयोजन को 2024 के चुनाव को जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव तो होते आए हैं, होते रहेंगे। यहाँ पे पूरी हिंदू समाज का प्रश्न है, उनके भगवान जो है आस्था के प्रतीक हैं, जो रोम रोम में बसने वाले हैं ऐसे श्री राम की, तो हमेशा ही पूजा अर्चना होती आई है। सनातन काल से इसकी भगवान की पूजा अर्चना होती आई है और अभी भी हो रही, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हम लोग भगवान रामलला को, उनके विग्रह को मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं, तो यह इससे हर्ष का विषय इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश के हर व्यक्ति की आत्मा में राम बसे हुए हैं, तो क्या राम के लिए हम ये कार्य नहीं करेंगे? हर चीज़ को क्या मीडिया चुनाव से की आंखों से ही देखेगा? भक्त हैं भगवान राम, उनके रोम रोम में बसते हैं। प्रत्येक जीव में हम तो राम की कल्पना करते हैं, विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, इसलिए हम सब लोग 22 जनवरी को एक विशेष त्यौहार के रूप में, बड़ी दिवाली के रूप में मनाने जा रहे हैं। पहली सीढ़ी इसको मान सकते हैं, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य तो अखंड भारत ही है। और अभी जो स्थितियां बन रही है, आपको भी मालूम होगा कि बहुत जल्दी हम इस स्वप्न को भी साकार करेंगे।